निशान मैं आपको एक सूचना दे दूं, अभी तक कीड़िए लगभग 3200 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क लेता था। ये बात पूर्व में भी मेरे सामने आई थी। हम लोग ये कतई नहीं कह सकते, ना कोई सरकार कह सकती कि प्लान डेवलपमेंट ना, लेकिन डेवलपमेंट हो, सब लोगों को आराम मिले, उसके लिए हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रयास रहते हैं। और उसी क्रम में अब लोनी का डेवलपमेंट चार्ज 1/3 लगभग 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है मात्र। तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना सूचक। मैं तो ये चाहूँगा कि आप सब लोग अपने जितने भी स्कूलों के नक्शे हैं उनको तो रेगुलराइज कर लें, उसमें कोई दिक्कत है तो हम लोगों को बताएं। और एक सूचना और इसमें मैं आपको देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पूर्व में विकास शुल्क दिया है, जो भवन बना लिए थे, उन पे वर्तमान में डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेगा। इसका भी जियो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भाजपा सरकार ने जारी कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके सामने। दूसरा, आपने नगर पालिका की कुछ बात कही है। शासन का स्पष्ट आदेश है कि केवल सीवर चार्जेस और वाटर चार्जेस लिए जाते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई चार्ज दे नहीं है स्कूलों के ऊपर। इसका जियो की कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और हमारे जो यहाँ जिला उसके लोनी के अध्यक्ष हैं नगर पालिका की, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से अवगत करा दूंगा कि अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया तो शासन आदेश के विरोध में होगा, इसलिए इसको वापस लिया। आप सब जानते हैं कोरोना काल में भी किस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार ने देश की और प्रदेश की सेवा की है। हमारे यूपी बोर्ड के विद्यालय है, इनमें प्राइमरी सेक्शन की मान्यता अलग और हायर सेक्शन की अलग होती है, और उसके कारण से यदि एक कैंपस में प्राइमरी की क्लासेस भी चल रही है और हायर एजुकेशन की भी चल रही है, हाई स्कूल की भी चल रही है, कई बार अधिकारी परेशान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से विषय रखना कि जिस प्रकार सीबीएसई के अंदर सीबीएसई में कक्षा 1 से 10 तक या कक्षा 1 से 12 तक की मान्यता एक साथ होती है और एक ही कैंपस में चल सकती है, उसी प्रकार यूपी बोर्ड को भी ये सुविधा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर सहमति दी और कहा कि इसका प्रस्ताव बनवाकर भिजवाइए अधिकारियों से, अब इसे स्वीकृत कर दें। उन्होंने तुरंत इस पर सहमति दी कि एक ही कैंपस में कक्षा 1 से 12 तक की क्लासेस चल सकती है। और भी जो ऐसी चीजें आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाई जाती रही है उनको करते रहे। और एक विषय पर तो अभी परसों ही में परिवहन मंत्री से मिला हूं कि विद्यालयों की बसें लगभग 1 वर्ष से खड़ी है, बसें नहीं चल रही है, बच्चों को लाने ले जाने का काम भी समाप्त है, बसें खड़ी हैं, तो उनसे अतिरिक्त जो टैक्स लग रहे हैं वो ना लगे और उनकी वैल्यू बढ़े।